हाय गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जेपी टेक्निकल इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से आए हुए एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम फी नहीं है और इसमें जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो है कि वाराणसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी में जो है कि रिक्वायरमेंट आई हुई है टेक्निकल पोस्ट की, तो आज की वीडियो में हम उसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गाइस यहाँ पे मैंने टाटा मेमोरियल सेंटर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका 5 मई 2021 को रिलीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी में हम बात करेंगे कि इसमें कितना पोस्ट है और क्या क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन। बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि आपका 12 मई 2021 को वॉक इन इंटरव्यू होगा। सुबह में 9:30 से 11:30 बजे के बीच में आपका वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और जो आपका वेन्यू है, जो प्लेस है कहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर सुंदर बगिया BHU कैंपस वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका जो है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई आपका अगर डाउट है तो। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने पूरा एड्रेस। आगे हम बात करेंगे इसमें कि कितने पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। यहाँ पे सीटों का डिटेल्स आपके सामने शो हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कि पहला जो पोस्ट है वहाँ पे पंप ऑपरेटर का है। इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो आपका 4 सीट है। और जो कि आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका, इसमें आपका क्वालिफिकेशन ITI रहना चाहिए, 2 साल का ITI आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ आपके पास जो कि नॉलेज रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल पैनल का, और पंप को ऑपरेट करने का भी आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस कुछ है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। और जो आपका सैलरी रहने वाला है यहाँ पे 18,382 रुपये सैलरी रहने वाला है। और जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम आपका एज जो है कि 27 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगले पोस्ट के बारे में। अगला पोस्ट है आपका फायरमैन का। इसमें जो है कि आपका 11 सीट है, और जो है कि आपका 4 फार मिर्ज़ापुर के लिए है और 11 जो है कि वाराणसी के लिए, तो टोटल आपका 15 सीट है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है आपका। तो आपका क्वालिफिकेशन में आपका इंटरमीडिएट रहना चाहिए और फिर फायर फाइटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका जो कि कोर्स भी आपका एक रहना चाहिए, जो कि फायर वाला कोर्स भी आपका रहना चाहिए, 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए तभी जाना है आपको, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना है। इसमें भी जो एज लिमिट है वो आपका 27 साल है मैक्सिमम, और जो सैलरी यहाँ पे रहने वाला है वो 20,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है आपका 1 साल के लिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कि उस सिचुएशन में बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल इफ़ रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही बताना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।